मेहता का उल्टा चश्मा। शिक्षक ने बच्चों की क्लास के साथ साथ घर वालों की क्लास लेना भी शुरू कर दिया है। दो दिन पहले 2 लीटर दूध फट गया था माधवी, कहाँ गया? डस्टबिन में। पोहे जला दिए थे तुमने, कहाँ गए? डस्टबिन में। तुला ना माला घाल डस्टबिन ला। क्या थोड़ी पार्टी शार्टी की बात कर रहे? अरे गैरेज जा नहीं सकता, दोस्तों से मिल नहीं सकता, अब्दुल की छोटा शॉप भी बंद है, अब जिंदगी में बचा ही क्या है? लगता है मुझे मेरी छड़ी निकालनी पड़ेगी। नहीं नहीं चाचा जी, तुम्हें वो ना करो। एक दिन जब रोशन सो गया था ना, तो मैंने उसकी पार्टी शार्टी का भूत उतारने के लिए मस्त आइडिया निकाल लिया था। चलो रोशन सोई गया छे, अभी देखती हूँ इसने बॉटल किडर किडर छुपा के रखी। कबर्ड में जाऊं या तो नथी? रोशन पर होशियार छे, हाँ कबर्ड में तो बॉटल नहीं मुके। रोश कहाँ कहाँ रखी है? आई सो जाऊं? हाँ नफ़ोट, इधर भी देखो वो खुदा है। आई जाऊं? नहीं, किडर किडर बॉटल छुपा के रखी है। आई सो जूते का डब्बा इधर। मरे रोशन ने मतलब सब अटरंगी जगह पे बॉटल छुपा के रखी है। और देखो सोडू काच है, काच है। आए जो रोशन तेरा क्या करूं? ये सोडी ने तो घर में पूरी दुकान खोल के रखी है। पर मैंने सारी बॉटल इकट्ठा करके फेंक दी। शाबाश बेटे शाबाश, ये तूने बहुत अच्छा किया है। खुशी है तो पियो, कम है तो पियो। ये पीने वालों को तो बस पीने का बहाना चाहिए होता है। गर्दन साची बात है। चल ठीक है, अभी तो वो तुझे परेशान नहीं करता ना। पार्टी शार्टी के लिए तो नहीं करता, पर अभी उसका नया नाटक शुरू हो गया। क्या? बताती हूँ। रोशन आयसो एमकम गपचुप बैसे लो छे, क्या सोच के रहा है? रोशन मैं सोच रहा था कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी ना। तो आए तो बहुत सारी बात है बाबा, तू गैराज जाएगा, काम में इन्वॉल्व रहेगा, तुझे अच्छा लगेगा। नहीं मैंनू गैराज नहीं जाना। सो क्या? रोशन अगर मैं काम पर जाऊंगा तो तुझसे दूर हो जाऊंगा ना, फिर ये मसालेदार लस्सी, ये गर्मा गर्म आलू के पराठे कैसे मिलेंगे मुझे गैरेज में? मेरे पास एक टॉप टॉप आइडिया है। बोल। हम लोग रोज पार्टी शार्टी करेंगे, बड़ा मजा आएगा। रोशन तू गैराज जाएगा नहीं तो कमाएगा कैसे? कमाएगा नहीं तो हमको खिलाएगा कैसे और घर का खर्चा चलाएगा कैसे? ये भी ठीक है। ये थोड़ी बिना। अच्छा गोगीड़ा क्या कर रहा है? चाचा जी उसका तो पूछे ही मत, डर रोज डांस के नवे नवे वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के चक्कर में दिन भर उंडी चट्टी हरकते करता रहता है, और अगर कुछ बोलो तो दोनों बाप दिकरा छोटे बच्चे की तरह रूठ जाते हैं। सर कोई बात नहीं बेटा, देख ये वक्त ही ऐसा है, इसमें किसी का दोष नहीं है, लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सारू चाचा जी। चल रखता हूँ। हाँ जी जी थैंक यू। ये लॉकडाउन ने तो खुश मिजाज आदमी को भी परेशान करके रख दिया है, सब बिगाड़ के रख दिया। लेकिन लॉकडाउन का असर मेरे वैज्ञानिक पर तो पक्का नहीं हुआ होगा। बबीता बेटी को फोन करता हूँ। हेलो। हाँ हेलो बबीता बेटा, चंपक बोलूँ, कैसी हो तुम? नमस्ते चाचा जी। बबीता बेटा तुम रो क्यों रही हो? नहीं नहीं चाचा जी मैं रो नहीं रही हूँ, एक्चुअली टीवी चालू था ना तो उसकी आवाज है। अच्छा अच्छा, मुझे टेंशन हो गया, सब ठीक है ना वहाँ? हाँ चाचा जी सब कुछ ठीक ही है। सब? लेकिन बेटा तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा है कि सब ठीक है। वो एक्चुअली चाचा जी। हाँ हाँ बोल बोल बेटा। चाचा जी एक्चुअली अय्यर को अपसेट देख के ना मैं भी बहुत अपसेट हो जाती हूँ। क्यों क्या हुआ अय्यर को? नहीं उसे कुछ नहीं हुआ, पर ये दुनिया की चिंता ने ना अय्यर को बहुत परेशान करके रखा है। बबीता बबीता क्या हो गया इस वर्ल्ड को, क्या हो गया इस वर्ल्ड को? अभी तक कोरोना का कोई मेडिसिन नहीं मिला, उसका कोई वैक्सीन ढूंढ नहीं पाया, सारा एक्सपेरिमेंट सब रिसर्च सब वेस्ट हो गया। अय्यर अय्यर प्लीज रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा, कब ठीक होगा बबीता, कब ठीक होगा?
दिन पे दिन कैसे बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल फुल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं मिला। एक वायरस के सामने पूरा दुनिया हार गया, साइंस हार गया। अय्यर तुम कैसी बातें कर रहे हो? अय्यर तुम खुद एक साइंटिस्ट हो, तुम साइंटिस्ट हो, ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? हाँ मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ बबीता, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ क्योंकि साइंस फेल हो गया, मैं फेल हो गया। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ गॉड के हाथ में। बबीता मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने आप को नेचर को सरेंडर कर देगा। व्हाट, क्या बोल रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ बबीता। देखो लॉकडाउन के बाद हम लोग मेरे नेटिव प्लेस चले जाएंगे, वहां मैं फार्मिंग करूंगा। अय्यर जी को खेती करनी? हाँ चाचा जी, देखिए ना मैंने उसे कितना समझाया, पर पता नहीं इस बीमारी के केस में ना साइंस के फेलियर को अय्यर ने बहुत ही पर्सनली ले लिया है। ऐसा थोड़ी होता है, अरे कोई भी दवाई ढूंढने में वक्त तो जाता है ना। एग्जैक्टली चाचा जी, मैं भी अय्यर को वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ पर वो समझता ही नहीं है, वो तो अभी सन्यासी बन गए चाचा जी। सन्यासी? हाँ चाचा जी, और पता है उसे मनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा? अभी भी सन्यास लेने की बात कर रहा है? नहीं चाचा जी, अभी तो वो नहीं बोल रहा है, पर पता नहीं अय्यर पूरा दिन बहुत ही बहकी बहकी बातें करता है, कभी खेती करने की, कभी सन्यासी बन जाने की। मैं ना बहुत डर जाती हूँ उसके ये सब बातों से। देख बेटा, अभी हालात ऐसा है ना, उस वजह से वो ऐसा सोच रहा है। हालात सुधर जाएंगे ना तो उसकी सोच भी बदल जाएगी, ठीक है? तू चिंता मत कर, हम सब गोकुलधाम वासी मिलके उसे समझाएंगे, वो समझ जाएगा, तू चिंता मत कर, ठीक है? ओके, थैंक यू चाचा जी। चल रखता हूँ। ओके। हे भगवान, ये अय्यर को क्या हो गया है? मुझे तो लगा था इस लॉकडाउन में सिर्फ जेठिया ही कुछ ज्यादा परेशान है, पर यहाँ तो सबकी हालत खराब है। बेचारा पोपट तो अकेला रहता है, उसका क्या हाल होगा? हे प्रभु, कब तक मैं ऐसे आटा गूंथता रहूंगा? मेरी शादी की रोटी पकेगी कि नहीं? तूने तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन करके ताला मार दिया है, लेकिन मेरे बारे में तो कभी सोचता ही नहीं। ये फोन की रिंग के चक्कर में ज्यादा पानी गिर गया, अब इसमें और आटा डालूंगा तो चार दिन तक इसी की रोटी बना बना के खानी पड़ेगी। इसका फोन है। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं भी बोल ही रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? अरे मैं बोल रहा हूँ चंपक। अरे चाचा जी नमस्ते, आप? हाँ मैं, लेकिन तू इतना दाल की तरह उबल क्यों रहा है भाई? अरे क्या उबलना चाचा जी, अब जीवन में उबलने जैसा रखा ही क्या है। अरे ये क्या बोल रहा है पोपट बेटा, मैंने तेरी खबर पूछने के लिए फोन किया है। खबर?
किसकी खबर कैसी खबर, चारों तरफ है कोरोना का कहर और आप पूछ रहे हैं क्या है खबर। ये कैसी बातें कर रहे थे चाचा जी, अब बातें करने के लिए बचा ही क्या। ये भाई है डिब्बे, अरे तू पोपट लाल पत्रकार है पत्रकार, अरे तू पूरी दुनिया की खबर रखता है और तू ऐसी निराशावादी बातें करता है। अरे तू निराशावादी बातें करेगा तो अखबार में खबर भी निराशावादी आएगी। चाचा जी मैं तो अखबार में हमेशा पॉजिटिव खबर ही छापता हूँ, लेकिन इसी तरह ये कोरोना पॉजिटिव चलता रहा तो मेरी शादी नेगेटिव हो जाएगी। पता नहीं ऊपर वाले ने मेरे बारे में क्या सोचा है। अरे ऊपर वाले ने सब अच्छा ही सोचा है बेटा। अरे क्या खाक अच्छा सोचा है, अगर अच्छा सोचता तो मेरी शादी के बाद लॉकडाउन नहीं करता। शादी के बाद मैं सालों साल तक लॉकडाउन में रहने को तैयार हूँ। बेटा ऊपर वाले को तेरे शादी के अलावा भी और बहुत सारे काम है ना। अरे क्या खाक काम है, दुनिया में सब काम अपने हिसाब से बराबर चल रहा है, दुनिया चल रही है, लोग चल रहे हैं, मेन काम मेरी शादी का वो करता ही नहीं है। अरे मैंने तुझे बोला ना भाई, तू पत्रकार हो के ऐसे निराशावादी बातें मत कर। अरे तो और क्या करूँ, यहाँ पर लोग शहर छोड़कर गांव जा रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, हमेशा ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कहाँ से कोरोना आकर हमको चिपक जाएगा। ऐसे में आदमी निराश नहीं होगा तो और क्या होगा। अरे पोपट बेटा ऐसे में ही हमें निराश नहीं होना है, अपने आप को संभालना है। तू सकारात्मक सोच भाई, हर रात के बाद सुबह होती ही है, तू भगवान पे भरोसा रख, देख सब कुछ है ना बहुत जल्दी पहले जैसा ही हो जाएगा। अरे चाचा जी मेरी दाल जल गई, मैं फोन रखता हूँ। अरे अरे सुन ले, अरे क्या हो रहा है आज, भगवान मेरे गोकुल धाम में ये सब क्या हो गया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, अब मैं इन सबको कैसे समझाऊं। ओ ए टप्पू बेटा, टप्पू क्या हुआ। दादाजी मैं बोर हो गया हूँ, गेम्स खेल ली, किताबें पढ़ ली, दोस्तों से वीडियो कॉल पे बात भी कर ली, अब समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। अरे वो बेटा इतना सब कुछ कर रहा है फिर भी बोर हो रहा है। हाँ दादाजी इन सब चीजों से मैं उब चुका हूँ, पूरा दिन इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में, घर पे ही बैठे रहो, कॉलेज भी बंद है, दोस्तों से मिल नहीं सकते, बाहर भी नहीं जा सकते कहीं, अब मुझे मजा ही नहीं आ रहा। टप्पू चल टीवी पे कोई मस्त फिल्म देखते, चल। नहीं दादाजी। अच्छा तो चल कैरम खेलते, चल। नहीं मुझे कैरम भी नहीं खेलना। टप्पू एक काम करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, तू नए गाने गाना मैं पुराने गाने गाऊंगा, है? मुझे कुछ नहीं करना, मैं सो जाता हूँ। हे भगवान बड़े छोटे सब परेशान हैं। मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब जल्दी से ठीक हो जाए। अब्दुल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चाचा जी। क्या हुआ ऐसे क्यों गुड मॉर्निंग बोल रहा है, सब ठीक है ना बेटा। क्या बताओ चाचा जी बहुत परेशान। भी परेशान है, तेरी दुकान तो बराबर चल रही है ना। चाचा जी दुकान तो बहुत मस्त चल रही है, उल्टा काम ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा तो फिर परेशान ही क्या है बेटा। चाचा जी गांव से घर वालों के बार बार फोन आ रहे हैं, उनको मेरी बहुत चिंता हो रही है, जिद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गाँव चले आओ। अब आप ही बताइए कि मैं कैसे जाऊँ, मुझे मेरे गोकुल धाम की चिंता है, सबको दूध ब्रेड और रोज का जो जरूरी सामान है वो पहुँचाना पड़ता है, अगर मैं ऐसे वक्त पर चला जाऊंगा तो सबको कितनी तकलीफ होगी। या खुदा तेरी इस दुनिया में क्या हो रहा है। अब्दुल बेटा तू हम सब के बारे में कितना सोचता है, लेकिन तू चिंता मत कर, हाँ देख सब ठीक हो जाएगा, हाँ ऊपर वाला है ना सब जल्दी ठीक कर देगा। हाँ आमीन। लेकिन चाचा जी आप कहाँ जा रहे हैं। मैं अपने ये सोसाइटी के मंदिर में जा रहा हूँ भगवान से प्रार्थना करने के लिए, चल चलता।
हे भगवान, इस महामारी ने तो पूरी दुनिया में परेशानी का माहौल बना दिया है। हर कोई परेशान है और इस महामारी की वजह से गोकुलधाम वासियों का दिमाग भी खराब हो गया है। सब पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, सबका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, बच्चे बड़े सब परेशान हैं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए भगवान, और ऐसा कीजिए कि दुनिया में फैली इस बीमारी का जल्दी अंत आ जाए और मेरा ये परिवार फिर से हंसता खेलता हो जाए। भगवान, फिर से हंसता खेलता हो जाए। ये अब्दुल क्यों बुला रहा है मुझे अभी? नक्की कोई टेंशन वाली बात होगी। ऐसा स्वभाव हो गया है, लग गए टेंशन। वो कुछ अच्छी बात भी हो सकती है, जाइए देखिए ना। अरे काय की अच्छी बात, आजकल एक ही खबर आ रही है बाहर से, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बाहर कोरोना, घर में तुम्हारा रोना। अभी आप फिर से शुरू मत हो जाइए। अरे भाई नहीं है, जा। वो असुख है, जाइए। तुम जाके देखो। मैं क्यों जाके देखूं? भिड़े भाई कौन है? भिड़े भाई आप है ना, तो आपको ही जाना पड़ेगा ना। माधवी भाभी अगर अब्दुल भाई बुला दो तो ठीक है, मैं जाती। अरे ये बोलते तू, मैं ही जाता हूँ। उससे बहस करने से अच्छा नहीं जाऊँ। भिड़े भाई, क्या है अब्दुल? आपको नहीं, भिड़े भाई को बुला रहा हूँ। अरे पता है ये भिड़े भी पता नहीं कहाँ छिपके बैठा रहता। अरे भिड़े, अब्दुल कब से तुझे चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है? तुझे सुनाई नहीं दे रहा? क्या कर रहा था? स्त्री पोपट ला, जरा शांति रखो। अब्दुल क्या हुआ? ओ भिड़े भाई, क्या है ना, वो ऑफिस का जो छत है ना, उसमें क्रेक आ गया है, बारिश का पानी आ सकता है। बोलो, सोसाइटी की ऑफिस में इतना बड़ा क्रैक है पर तूने काम नहीं करवाया? ऐसा ही है तेरा, रिपेयर करवा के रखना चाहिए, काम क्यों नहीं करवाया तूने? अरे कहां से करवाऊं पोपटलाल, मालूम है ना क्या चल रहा है, कोई आदमी मिल नहीं रहा है तो काम कहां से करवाऊंगा? तो कोरोना काल में कौन मिलेगा भाई, सब गांव में जाके बैठे। लेकिन ये लिखे तो तेरा कोरोना के पहले हुआ था, तो तभी सोचना चाहिए था, तभी करवा लेना चाहिए था तुझे। पोपटलाल तुम ज्ञान मत बांटो, तुम भी कमिटी मेंबर हो ना, तुम भी आके बैठे हो ना ऑफिस पे, तो तुम्हारा ध्यान नहीं गया कि वहाँ पे सिर्फ पंखे की हवा खाने आते हो? भाई मैं पंखे की हवा खाने नहीं आता हूँ, मैं जब ऑफिस में आता हूँ तो मेरा एकदम फोकस काम पे होता है, इधर उधर ऊपर नहीं देखता हूँ मैं। तू सोसाइटी का एक मेवा सेक्रेटरी होके घूमता रहता है, एक मेवा होने की क्रेडिट लेता रहता है, सारा काम भर चढ़ के अपने सर पे लेता है, और जब काम भूल जाता है तो माननीय कमेटी मेंबर के ऊपर ये बिल फाड़ देता है, ये सही बात है? अरे कहाँ से करूंगा काम, कोई मिल नहीं रहा तो कहाँ से करूंगा काम? रुक, मैं अभी सबको बुलाता हूँ, बताता हूँ कि तू कैसा काम करता है। अत्ते भाई, मेहता साहब, जेठालाल, अय्यर भाई। ओहो, लगता है ये लंबा चलेगा। भिड़े भाई मैं जाता हूँ। अरे भाई अब्दुल तू रुक भाई। क्या हो गया पोपटलाल, क्यों गला फाड़ रहे हो भाई सुबह सुबह? सब बताता हूँ भाई, आप पहले जेठालाल और हाथी भाई को बुलाइए, बाकी सब आ गए। एक्सक्यूज मी पोपटलाल भाई, हंस तो हॉस्पिटल में है। क्या हुआ हाथी भाई को? अरे ये पोपटलाल, अरे कोरोना काल चल रहा है, डॉक्टर है वो, उनका करियर है वो, कोरोना वॉरियर है वो, पता है वो? पता तो भी पूछ क्यों रहे थे कि क्या हुआ उनको? अरे गलती से निकल गया मुंह से। तो मुंह बंद रखो ना अपना। ए भिड़े, क्या मुंह क्या बंद रख, ए आजाद देश का आजाद नागरिक हूं मैं, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर को मुंह बंद रखने को बोलते हैं, दुनिया हिला दूंगा तेरी। अरे ये तुझे तो गोल्डन क्रो अवार्ड कभी एक्सपायर झाला? एक्सपायर झाला बोलतो है? ओए पप्पू तू ठंड रख, वो पहले है तो दस्त होया की है। हाँ अरे दस्ता हूँ भाई, मेहता साहब पहले आप जेठालाल को फोन करो। यार प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है पोपटलाल, चिल्ला तुम रहे हो और मुझे क्यों कह रहे हो मैं बुलाऊं, तुम खुद क्यों नहीं बुला लेते हो? अरे मेरा फोन मेरे पास नहीं है, पर ना मैं कब का कर चुका होता। फोन अंदर नहीं पड़ा है, तुम्हारे फोन में बैलेंस नहीं पड़ा है। राइट। अरे भिड़े, तो तेरे फोन में बैलेंस है ना, तो तू कर ले। मैं क्यों करूं, मुझे कोई काम नहीं जेठालाल से। रुक जाओ भाई, तुम लोग शांत रहो, मैं बुला लेता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन वो तो मेहता साहब पहले ही कर देते। यार हाँ भाई, गलती हो गई मुझसे, अब कर रहा हूँ, ठीक है? ओके भाई, गोकुलधाम में क्या माहौल बदला,
अब तक तो झगड़े घर तक ही सीमित थे, घर घर तक मामला था, लेकिन अब तो सोसाइटी कंपाउंड में भिड़े और पोपटलाल के बीच में झगड़े की कमान पर कटु शब्दों के तीर चल रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें कौन कौन सदस्य जुड़ता है, कितने सदस्य बढ़ते हैं। अब गोकुलधाम के झगड़े बिल्कुल जो दिवाली पे पटाखों की लड़ी आपने देखी है ना, देखी होगी, जो चलती है ना, बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी कि अब यहाँ एक के बाद एक सदस्य बढ़ेंगे, जुड़ेंगे और झगड़ा भी बढ़ेगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि चाचा जी अपने अनोखे अंदाज में जब इस झगड़े से निपटेंगे तब आपके घरों में हंसी का ताक धिना दिन धा होने वाला है। तो ये ताक धिना दिन धा किस तरह से होता है ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ओ यार भाई, मैं बोलूंगा और फिर बोलूंगा नहीं मैं। ये हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।